शौचालय जो टूटा फूटा है, सब बहुत गंदगी भरी है, तो बच्चे शौच के लिए कहाँ जाते होंगे? अब बच्चे शौच के लिए वही मतलब एक के लिए वही बैठ जाते हैं, दो के लिए अपना इधर उधर हो जाते हैं। ये वाली समस्या कब से है? ये वाली समस्या 5-4 महीने वो भी हो गया। अब दरवाजे भी टूटे हैं सब इसके। दरवाजे बाहरी जो है आदमी जो बच्चे आके या आदमी जो भी कह लीजिए उपद्रवी कह लें। हाँ, उपद्रवी वो आके तोड़ देते हैं, वैसे छठ दिवाली होके आके चढ़ के फाटक तोड़ देते हैं। हाँ, उसमें सोच भी कर देते हैं। अच्छा, तो ये उपद्रवी तोड़ते क्यों, क्या वजह है तोड़ने की आखिर? अब ये कस्बा है, तमाम बच्चे इधर उधर फालतू घूम रहे हैं। हाँ, नशेड़ी लोग तो नहीं घूमते क्या? बजाना कुछ ऐसा है? अब किसको नशेड़ी कहा जाए, क्या कहा जाए, देखा नहीं गया। लेकिन बच्चे अब पुलिस मौके भी है, यही SSB कैंप है। हाँ, वो तब भी नहीं डरते हैं। हाँ, अब कौन है? हाँ, अब हम लोग 3 बजे के बाद 3:30 बजे 4 बजे के बाद विद्यालय चले जाते हैं। टोटल कितनी संख्या होगी बच्चों की? 1 से 5 तक ये विद्यालय है? हाँ, 1 से 5 तक विद्यालय। कितनी संख्या होगी? 150 शौचालय जो बना है सब टूटा फूटा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे बच्चे सब कहाँ जाते होंगे शौच करने? वही में जात हैं कि तो पिछवाड़े पर पेशाब साफ करे जात हैं। हाँ, कि तो उन्हें कहूँ गलती ना है, खाली बड़वा लेके आओ तो चला जाते हैं। 5 तक विद्यालय स्कूल में बड़ी बड़ी बच्चियाँ होंगी, तो अगर वो शौच के लिए जाना चाहेंगे तो कहाँ के जाएंगे? दिक्कत नहीं होगी? बहुत पूरा भरा, पानी तक की व्यवस्था वहाँ नहीं है। टंकिया पर तो मार मार कर भर दिया, देखा मोटर के जाना के उठा ले गए। कितना दिन पहले उठा ले गया? अरे अभी 1.5 दिन ना आया, 20-22 सूरज हो गया, चाहे महीना हो गया। हाँ, दिवाली बाद। ग्राम पंचायत बजहां का प्राथमिक विद्यालय है, शौचालय है, उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो बच्चों को काफी समस्या हो रही है। जांच करा करके उसको ठीक करवा दिया जाएगा।